अनारकली में दहशतगर्दी का वाकया, काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ने JIT बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर कानून राजा बिशारत का कहना है कि लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी और जराइम के तमाम वाकयात ट्रेस कर लिए। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे में बड़ी पेशरफ। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जौहर टाउन में प्लॉट फरोख्त करके फंड्स इकट्ठे करेगी। प्लॉट्स की फरोख्त से 253 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। 167 कमर्शियल और 51 रिहायशी प्लॉट्स को नीलाम किया जाएगा। LDA के हाउसिंग डायरेक्टरेट्स ने रिपोर्ट DG को अरसाल कर दी। महंगाई का जोर हो सका ना तो ओपन मार्केट में गंदम की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गल्ला मंडियों में गंदम फी मन 2640 रुपए फरोख्त। गंदम की कीमतों में इजाफे पर चक्की मालिकान ने भी निर्ख बढ़ा दिए। चक्की आटे की कीमत 88 रुपए किलो से बढ़ाकर कीमत 90 रुपए कर दी गई। चक्की आटा की कीमत नई गंदम की फसल आने से कबल सेंचुरी मुकम्मल करने का इम्कान। वजीर सेहत एक बार फिर कोरोना का शिकार। डॉक्टर यास्मीन राशिद का दूसरी बार कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वजीर सेहत ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। लाहौर में डेंगू का फैलाव बरकरार। 24 घंटों के दौरान डेंगू का मरीज रिपोर्ट। रवां साल के दौरान लाहौर से डेंगू के कुल 16 केसेस सामने आए। पंजाब भर में डेंगू बुखार से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। मौसमी वायरस फ्लू और गले की खराबी से शहरी बीमार होने लगे। एंटीबायोटिक दवा एजोमेक्स मार्केट से गायब हो गई। मार्केट में पैनाडोल और पैरासीटामोल की भी किल्लत। अद्वियात की किल्लत ड्रग अथॉरिटी हुकाम के लिए चैलेंज बन गई। काबिल उसाज़ा की किल्लत पर पढ़ाई पर कम तवज्जो। पाकिस्तान में 90% तलबा रियाजी और साइंस में कमजोर निकले। 15,000 स्कूल तलबा का टेस्ट लिया गया। रियाजी 27%, साइंस के टेस्ट का नतीजा 34% रहा। IED ने रिपोर्ट जारी कर दी। माहिर तालीम का उसाज़ा के ट्रेनिंग पर जोर देने का मशवरा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत पार्टी अमूर के हवाले से अहम इजलास। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजार, मखदूम खुसरू बख्तियार और वजीर खजाना समेत दीगर की शिरकत। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। जजेस की कमी, बर वक्त फैसलों में रुकावट बनने लगी। 750 से जायद जजेस की असामियां खाली। मातहत अदालतों में 13 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार। नए जजेस की भर्ती के लिए दरखास्तों की वसूली का मरहला मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उबूरी अहकामात के खिलाफ अपीलें निपटा दी। जमीन इक्वायर करने के अमल को मुअत्तल करने का फैसला चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट रोडा प्रोजेक्ट के खिलाफ फैसला दे चुकी है। अपीलों पर कैसे समाअत कर सकते हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के निजकारी और स्टाफ की किल्लत नामंजूर। पाकिस्तान पापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की वजारत पावर डिवीजन और लेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल की अपने कैंप ऑफिस न्यू मुजंगामत। लोगों से मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने। सूबाई वजीर ने बास मसाइल के हल के लिए मुतलका महकमों को हिदायत दी। महकमे स्पेशल एजुकेशन ने निसाब में तब्दीली के लिए कमेटी बना दी। 9 रुकनी कमेटी निसाब का जायजा लेकर तरामीम तजवीज करेगी। महकमा स्पेशल एजुकेशन हुकाम कहते हैं कि जक्सा निसाब स्पेशल बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है। ACR ऑनलाइन जमा न कराने वाले 28,000 उस्तादा को एक मौका और मिल गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ACR जमा करवाने के लिए तारीख में तौसी कर दी। उस्तादा अब 5 फरवरी तक ACR ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ज़ेरे तरबियत ASP के वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी और जराइम कंट्रोल के जदीद प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी गई।
आईजी पंजाब राव सरदार अली खान कहते हैं कि खिदमत खल्क के जज्बे से काम करने वाले पुलिस अफसरान ही कामयाब हैं। सेहतमंद पाकिस्तान की तकमील की अमली कोशिश, पंजाब फूड अथॉरिटी का गिलगित बल्तिस्तान फूड अथॉरिटी के लिए तरबेती सेशन का इनेकाद, फूड अथॉरिटी कवानीन की अमलदारी फील्ड ऑपरेशन बारे आगाही दी गई। मिशन क्लीन लाहौर हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज, शहर को एक हफ्ते के दौरान साफ सुथरा किया जाएगा। LWMC सफाई के लिए इजाफी वसाइल इस्तेमाल करेगी, मसाइल का शिकार और गंदगी के पॉइंट्स पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। DC लाहौर का CEO LWMC के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पंजाब के 9 अजला में इजादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज, पोलियो टीमें बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ। लाहौर में 12 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। सरबराह पंजाब पोलियो प्रोग्राम सुंदस इरशाद कहती हैं, वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखना होगा। मायरा कत्ल केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। सेशन कोर्ट में मुकदमे के 3 गवाहों के बयान पर जेरह मुकम्मल। मुलजिमान के खिलाफ 5 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए। मुलजिमान ने मायरा को डिफेंस में 3 मई को कत्ल कर दिया था।